हेलो एवरीवन, दिस इज देवाशीष मिश्रा। एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन बीपीयूट की तरफ से आ चुका है। क्या है वो नोटिफिकेशन, मैं तुम लोगों को बोल देता हूँ। ये जो नोटिफिकेशन आया है उसके ऊपर भी मैंने बात किया था, ओके। आज फिर से बोल देता हूँ, 17/8/2023 को आया था, लेकिन कल नोटिफिकेशन आया है, आज है 19/18 को नोटिफिकेशन आया है। कंडक्ट ऑफ इवेंट सेमिस्टर सेकेंड फेज यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, तुम लोग जाकर देख सकते हो, बीपीयूट को नोटिस साइड में है, 17/8/2023 का आया है। कंडक्ट ऑफ इवेंट सेमिस्टर सेकेंड फेज यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, क्या मेंशन है मैं पढ़ के तुम लोगों को समझा देता हूँ। इट हैज़ कम टू नोटिस ऑफ यूनिवर्सिटी दैट सम ऑफ द कॉलेजेस आर यूजिंग अनफेयर मीन्स ड्यूरिंग कंडक्ट ऑफ ऑनगोइंग यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। अनफेयर मीन्स जो कॉपी बोलते हैं, ओके। सो बीपीयूटी इसको नोटिस किया है, इट हैज़ कम टू नोटिस द यूनिवर्सिटी दैट हैज़ ऑफ सम कॉलेजेस आर यूजिंग अनफेयर मीन्स ड्यूरिंग कंडक्ट ऑफ ऑनगोइंग यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। नोटिफिकेशन में जाकर देख सकते हो। द सेंटर सुपरटेंडेंट्स आर सोली रेस्पॉन्सिबल फॉर फेयरली कंडक्ट ऑफ यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। जो सेंटर सुपरटेंडेंट है वो मे बी प्रिंसिपल, मे बी एग्जामिनेशन हेड, जो भी है, दे आर सिंपली रेस्पॉन्सिबल फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। हेंस ऑल सेंटर सुपरटेंडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू एंश्योर दैट एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड वेरी फेयरली। सो जो भी सुपरटेंडेंट लोग है, टीचर लोग है, उनको मैसेज बीपीयूटी किया है कि एग्जाम शुड बी इन प्रॉपर मैनर और फेयरली, कॉपी शुड नॉट बी अलाउड। ड्यूरिंग द विजिट ऑफ स्पेशल स्क्वाड्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, मैंने बोला था इस बार स्क्वाड आएंगे, इफ एनी सेंटर फाउंड टू बी यूजिंग एनी अनफेयर मीन्स द कंसर्न सेंटर सुपरटेंडेंट विल बी ब्लैकलिस्टेड एंड नेम ऑफ द कंसर्न सेंटर सुपरटेंडेंट एलोंग विद द नेम ऑफ द कॉलेजेस शैल बी अपलोडेड इन द ऑफिशियली वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी। अगर किसी दिन तुम्हारा कॉलेज को वो विजिट करने जा सकते हैं बीपीट की तरफ से, अगर कुछ अनफेयर मीन्स पकड़े गए हैं तो फिर क्या होगा, ब्लैकलिस्ट हो जाएगा कॉलेज और तुम्हारा कॉलेज का जो नेम है वो बीपीयूटी के साइट में अपलोड हो जाएगा, क्लियरली मेंशन है। फर्दर द एक्शन आज डीम्ड इफ शैल बी टेकन अगेंस्ट द कॉलेज, एंड एक्शन भी लिया जा सकता है, कॉलेज सेंटर चेंज हो सकता है, ब्लैकलिस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो मेंशन किया गया है इस नोटिफिकेशन में। सो माई डियर स्टूडेंट्स, इफ मुझे बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे क्या इस बार जो मीटिंग हुआ था इसमें क्या डिस्कशन हुआ था स्पेशल स्क्वाड के लिए, मैंने तुम लोग को उस टाइम भी बोला था और अब नोटिफिकेशन भी आ चुका है स्पेशल स्क्वाड के लिए। इसके लिए थोड़ा सा तैयार रहो, ट्राई करो अपने आप पढ़ाई करके जाने के लिए, कुछ अनफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर पकड़ जाते हो तो फिर दिक्कत हो सकता है कॉलेज को, तुमको, सबको प्रॉब्लम हो सकता है। तो यही था इम्पोर्टेंट नोटिस। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट कर रहे हैं, सर सिलेक्टेड क्वेश्चन दीजिए, यू गो टू माई प्लेलिस्ट, बहुत सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तुम लोग देख सकते हो। सिलेक्टेड क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हर एक सेमिस्टर में देना पड़ता है, जब तक तुम्हारा सिलेबस चेंज नहीं होता है, जो भी मैं क्वेश्चन दिया हूँ उसको प्रिपेयर करो, एग्ज़ाम ठीक रहेगा। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल का मैं क्वेश्चन दिया था, कुछ स्टूडेंट मुझे पूछ रहे थे सर 2023 का सिलेक्टेड क्वेश्चन दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, जो मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया हूँ उसको प्रिपेयर करो, क्योंकि सिलेबस अब तक चेंज नहीं हुआ है। अगर सिलेबस चेंज होता तो फिर मैं क्वेश्चन चेंज करके तुम लोगों को देता, तो फिर सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, जो भी क्वेश्चन मैं दिया हूँ उसको प्रिपेयर करो, बाकी जो सब्जेक्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट का मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया हूँ उसको प्रिपेयर करो, डेफिनेटली एग्जाम अच्छा रहेगा। तो जो भी तुम्हारा डाउट है मुझे कमेंट करके बता दो, वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना, डाउट है तो कमेंट करके बताना, न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे न्यू अपडेट तुम लोगों को हर दिन मिलता रहेगा। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। थैंक यू।